I Alfie, bear witness and declare that there is nothing worthy of worship except Allah. The one true God, who is alone and free of any partners. And I, Alfie, bear witness and declare that I believe in all the prophets and messengers of Allah, and that the last and final messenger of Allah is Muhammad. Takbir. Allah. Takbir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों इंग्लैंड यानी बरतानिया में लोगों का इस्लाम कबूल करने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। बरतानिया का दूसरा सबसे बड़ा मज़हब अब इस्लाम बन चुका है। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही बरतानिया के एक मशहूर बिजनेसमैन मार्को पियरे के बेटे ने इस्लाम को कबूल किया था और इस फहरिस्त में अब एक और नाम शामिल हो चुका है, अल्फ्रेड विलियम बेस्ट। इनको लोग अल्फी बेस्ट के नाम से भी जानते हैं और ये बरतानिया के मशहूर ताजरों में से एक हैं। वहाँ के चंद बड़े अमीरों में और मालदारों में अल्फ्रेड विलियम का नाम आता है। अब इनके ताल्लुक से इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए खबर आ रही है कि अल्फ्रेड विलियम ने इस्लाम को कबूल कर लिया है। अल्फ्रेड विलियम की पिछले दिनों एक तस्वीर सामने आई थी। वो एक मस्जिद में खड़े हुए थे और पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा था, अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और अल्लाह जिसे गुमराह कर दे उसे कोई राह रास्त पर नहीं ला सकता। उनकी तस्वीर चर्चा में आई थी, कई तरह की खबरें लिखी गई थी और अब बाज़ाब्ता ऑफिशियली खबर आ चुकी है कि अल्फ्रेड विलियम बेस्ट इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। उन्होंने एक फ़ोटो शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। इस पोस्ट को देखने के बाद मुसलमानों ने उनका इस्लाम में खूब खैर मकदम किया। अल्फ्रेड का सम्मान बरतानिया के बड़े ताजरों में बड़े बिजनेसमैन में होता है और उन्होंने 1990 में एक मोबाइल की शॉप से अपनी तिजारत का आगाज़ किया था और इस वक्त वो मोबाइल की एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं और अभी तक वो लगातार बिजनेस कर रहे हैं और इसी वजह से इनके कबूल इस्लाम की खबर को इतनी अहमियत दी जा रही है और बरतानिया में लगातार दीन इस्लाम में लोग दाखिल होते जा रहे हैं। और इसके बरक्स बरतानिया में ईसाइयों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। लेकिन जो किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते हैं, यानी नास्तिक हैं या मुल्हिद हैं, उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है और उसके बाद बरतानिया में अब सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला मज़हब इस्लाम बन चुका है और इसी की वजह से इसकी तारीफ भी हो रही है। वहाँ जो मुसलमान लोग हैं वो अपने अखलाक और अपने कैरेक्टर की वजह से लोगों को दीन इस्लाम में दाखिल होने पर मजबूर कर रहे हैं। उनके कैरेक्टर को देखकर लोग दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। बरतानिया में कितने ऐसे चर्च हैं जो गैर आबाद हो गए, वीरान हो गए और ईसाइयों ने वहाँ जाना बंद कर दिया तो मुसलमानों ने उन चर्च को ख़रीद कर मस्जिद बना दिया, जिस वजह से अब वहाँ नमाज होने लगी है और अजान होने लगी है। दोस्तों हम सबको अपने अखलाक बेहतर करना चाहिए और लोगों से नरमी के साथ पेश आना चाहिए क्योंकि लोग हमारे दीन को समझने के लिए हमारा चरित्र, हमारा अखलाक और हमारा कैरेक्टर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इस्लामिक किताबों को पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अखलाक को लोगों के कबूल इस्लाम का ज़रिया बनाए और हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।